नेटफ्लिक्स ने संजय लीला भंसाली की डेब्यू स्ट्रीमिंग सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए एक प्रीमियर होस्ट किया था वेंसडे को मुंबई में। ये एक स्टार स्टडेंट इवेंट था जिसमें इंडस्ट्री के कई सितारे संजय लीला भंसाली को सपोर्ट करने आए थे। हीरा मंडी की स्टार कास्ट मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शर्मिन सहगल, संजीदा शेख, शेखर सुमन, अध्ययन सुमन, ताहा शाह और फरदीन खान के अलावा भी कई सितारों ने रेड कार्पेट को संवारा था। जहां सलमान खान ने एक डैशिंग एंट्री मारी थी, वहीं आलिया भट्ट वाज चैनलिंग हर इन अ गंगूबाई। करण जौहर और अनन्या पांडे भी प्रीमियर पे साथ आए थे। तो वहीं रेखा जी गोल्डन साड़ी में खूब जच रही थी। विधु विनोद चोपड़ा भी भंसाली को सपोर्ट करने आए थे एंड विकी कौशल वाज आल्सो फाउंड मेकिंग अ स्टाइल स्टेटमेंट। प्रीमियर के फोटोग्राफ्स एंड पेपराजी वीडियो सोशल मीडिया पे काफी फैंस की अटेंशन घेर रहे हैं एंड हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सलमान खान के घर के बाहर हुए फायरिंग इंसिडेंट के बाद सलमान खान को प्रीमियर पे टाइट सिक्योरिटी में देखा गया। उनकी प्रेजेंस से इस अफवाह का तो डी एंड हो गया कि उनकी भंसाली के साथ कोई लड़ाई थी। आलिया भट्ट जिसने गंगू का किरदार निभाया था भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आइवरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनको उनकी माँ सोनी राजधान और सासू माँ नीतू कपूर के साथ पोज करते देखा गया। आलिया भट्ट को भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर में विकी कौशल और उनके हस्बैंड रणबीर कपूर के साथ देखा जाएगा। अनन्या पांडे भी करण जौहर के साथ स्क्रीनिंग पर आई थी जिसमें करण जौहर ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक नई फिल्म साइन की है। अनन्या पांडे के रूमर्ड बॉयफ्रेंड आदित्य राव कपूर को भी फातिमा सना शेख के साथ पोस्ट करते हुए देखा गया था। हीरा मंडी कास्ट कीपिंग विद द थीम ऑफ द सीरीज वाज ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अटायर एंड एक्सुडेड रॉयल्टी। सो आई आल्सो एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज ऑफ संजय लीला भंसाली। लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।